माँ दुर्गा की पूजा होती है और सौभाग्य से रविवार के दिन पे बेटियों का दिवस, पश्चिमी कल्चर में उसको डॉटर्स डे कहते हैं, पर बेटियों का दिवस बनाया जा रहा था। और क्या किया गया हमारी बेटियों, बहनों, महिलाओं के साथ? उनको डंडों डंडों से पीटा गया, क्योंकि वो कुछ जायज मांगे अपनी मनवाना चाह रही थी, वो अपने बीएसयू वाइस चांसलर से इंसाफ की गुहार कर रही थी। इसलिए हमारे देश की बेटियों, बहनों और महिलाओं को इसलिए पीटा गया क्योंकि वो अपनी आवाज उठा रही थी, क्योंकि वो अपने मन की बात कर रही थी। मैंने इनका ज्ञापन पढ़ा है, मैंने सोचा ऐसी क्या मांगे रख रहे थे कि इनको देशद्रोही तक सुब्रमण्यम स्वामी नक्सली कह रहे हैं। ऐसी कोई मांगे थी? अलग राष्ट्र बनाने की मांग रख रहे थे? तो मैंने ज्ञापन बहुत गहराई से पढ़ा कि कहीं दूसरा पाकिस्तान तो नहीं मांग लिया इन्होंने। क्या मांगा इन्होंने? इन्होंने मांगा कि जेंडर सेंसिटाइजेशन के लिए कमिटी होनी चाहिए, कि जहां पे अगर महिलाओं के साथ कुछ छेड़छाड़ हो, सेक्सुअल हैरेसमेंट हो, तो एक कमिटी हो जिसमें कि एक इन बातों को रिजॉल्व किया जा सके, जिसमें कि पीड़ित को यह ना कहा जाए, पीड़िता को यह ना कहा जाए कि तू 6:30 बजे बाहर क्यों गई भाई, बाहर जाएगी तो ये होगा, ये ना कहा जाए। ये चाहते थे सीसीटीवी काम करे, ये चाहते थे कि जो सड़कें हैं अंधेरी सड़कें जहां पे कुछ लोग घूमते हैं और लड़कियों के साथ ये बदसलूकी करते हैं, वहां पे लाइटें लग जाए। ये चाहते थे कि जो सुरक्षा का एटमोस्फियर होना चाहिए कैंपस में वो बना रहे, कि भेदभाव की नीतियां ना हो।